दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम चेन्नई सुपर किंग के बारे में। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के बचे हैं मात्र 6 मुकाबले। अगर क्वालिफाई करना है तो 6 के 6 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग को जीतने होंगे। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये 6 मुकाबले आखिर कौन कौन सी टीमों के खिलाफ रह गए हैं, क्योंकि दोस्तों इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जिस तरह की इस समय चेन्नई सुपर किंग की टीम है, तो सामने वाली टीमों का फॉर्म क्या है, कौन कौन सी डेट पर ये मुकाबले होने जा रहे हैं, आपको 6 के 6 मुकाबले आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर चेन्नई सुपर किंग एक भी मुकाबला यहां से हारती है, मतलब 6 में से अगर एक भी मुकाबला हारती है, तो टूर्नामेंट में मुंबई इंडियन के साथ हो जाएगी अलविदा, मतलब हो जाएगी बाहर। अगर चेन्नई सुपर किंग को टूर्नामेंट जीतना है, तो फिर दोस्तों लगातार ये 6 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग को जीतने होंगे। अब दोस्तों रीसेंट जो इनका मुकाबला होने जा रहा है, वो होने जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। अब ये कौन सी डेट को होने जा रहा है, दोस्तों ये मुकाबला होगा 46वां, जो कि खेला जाने वाला है संडे को, मतलब संडे को, इसी संडे को आपको ये मुकाबला होते हुए दिखेगा, जहां पर ये मुकाबला शाम के टाइम में शेड्यूल किया गया है। उसके बाद अगला मुकाबला जो चेन्नई सुपर किंग की टीम खेलेगी, वो खेलेगी आरसीबी के खिलाफ, जो होगा वेनसडे को। जी हां दोस्तों, आरसीबी के खिलाफ 49वां मुकाबला वेनसडे को खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग का। मतलब पिछला मुकाबला तो जीत के आई है, लेकिन क्या यहां पर चेन्नई सुपर किंग फिर से दूसरी हार थमा पाएगी इस सीजन की आरसीबी को, या फिर दोस्तों आरसीबी अपना बदला ले जाएगी। अब दोस्तों तीसरे मुकाबले की बात करें, तो तीसरा मुकाबला खेले जाने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। तो यहां पर दोस्तों आपको बता दें, यह मुकाबला होने जा रहा है फिर से संडे को, यानी कि आपको बैक टू बैक ज्यादातर आपको संडे के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग के दिखने वाले हैं। शाम 7:30 बजे वाला मुकाबला ये होगा। मैच नंबर की बात करें तो मैच नंबर 55 ये होगा। इसके बाद दोस्तों अब चले हम अगले मुकाबले की तरफ। दोस्तों अगला मुकाबला अब खेलेगी चेन्नई सुपर किंग की टीम MI से। MI को भी ये टीम हरा चुकी है, लेकिन क्या यहाँ पर MI फिर से पलटवार करेगी, या फिर चेन्नई सुपर किंग के लिए रास्ता आसान करेगी। अब दोस्तों ये जो मुकाबला होने जा रहा है, ये मुकाबला होने जा रहा है यहाँ पर थर्सडे को ये मुकाबला होगा। दोस्तों लाइट जाने की वजह से थोड़ा वीडियो की क्वालिटी में इशू जरूर हुआ है, लेकिन आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती होगी। सो गाइस आपको बता दें, इस मुकाबले के बाद चेन्नई सुपर किंग खेलेगी गुजरात टाइटंस से, जहां पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये मुकाबला होगा संडे को। यहां पर दोस्तों बैक टू बैक संडे को ही जो है मुकाबले चेन्नई सुपर किंग के होने वाले हैं, मतलब हर संडे को आपको चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला देखने को मिल जाएगा। मैच की बात करें तो ये होगा 62वां मुकाबला, जहां पर ये जो मुकाबला होगा संडे वाला, ये 3:30 बजे आपको दोपहर में खेलता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आपको आखिरी मुकाबला दिखेगा चेन्नई सुपर किंग का राजस्थान रॉयल्स के सामने। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के सामने अभी मुकाबला कब होगा, ये मुकाबला होगा फ्राइडे को 7:30 बजे, और ये मुकाबला 68वां चेन्नई सुपर किंग का आखिरी मुकाबला होगा। अगर ये छहों मुकाबले चेन्नई सुपर किंग की टीम अगर यहाँ से जीतती है, तभी चेन्नई सुपर किंग के चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ के लिए, और 100% चांसेस बनेंगे कि अगर यहाँ से 6 मुकाबले जीतेगी, तो 100% चांस बनेंगे कि ये टीम क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए। अगर एक भी मुकाबला यहाँ से हारी, तो फिर दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आप कह सकते हो चेन्नई सुपर किंग फिर बाहर हो जाएगी, क्योंकि और टीम इतने ज़्यादा मुकाबले हारी नहीं है। अब आपको कैसी लगी वीडियो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।